क्या आपके पास भी सीमन कम हो चुका है? जैसे कि आपके पास आज 1000 डोज हो चुके हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपने उसमें 900 उसमें डोज आपने एआई कर चुके हैं। लेकिन अब बात यह है कि आपके पास जो सीमन पेंडिंग बचे हुए वो आपके पास 20-30 है। कहने की बात यह है कि आपके पास जो 70-80 जो डोज है वो शॉर्टेज है। शॉर्टेज सीमन की आप किस तरह से पूर्ति कर सकते हैं दोस्तों, किस तरह से आप सीमन बराबर कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों। क्योंकि मैं जानता हूं सबके लिए सबसे बड़ा जो परेशानी का मसला था ना, परेशानी का विषय था ना, वो था कि शॉर्टेज ऑफ सीमन। तो आपके पास डोज कम हो चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर देखे तो आपके पास इतने आ चुके हैं, लेकिन अब देखते हो चेक करते हो तो आपके पास उतना सीमन बचा ही नहीं है। जैसे कि दोस्तों आपको भी पता है कि आपके पास भी सीमन बहुत ज्यादा शॉर्ट हो चुका है। आपने लाया था कुछ, किया है कुछ, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है आपके पास बचता है कुछ, या तो बचता कुछ नहीं है। आपके पास जो भी सीमन शॉर्टेज है उसका निवारण क्या होगा, जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर नहीं जानना चाहते तो दोस्तों आप पर है, और मुझे पता है कि आप ये जानना चाहते हो, और जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। यार 2-4 मिनट की वीडियो है, लेकिन इतना कुछ आपको सिखाने वाली है ना कि आप सोच ही नहीं सकते। तो दोस्तों अगर जानना है तो वीडियो को कंप्लीट देखें, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक भी वीडियो को जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपकी कोई भी जो डाउट होता है ना दोस्तों वो हम क्लियर कर देते हैं। जल्दी से जल्दी आपके लिए छोटे से छोटे डाउट की भी वीडियो जो होती है वो हम लेके आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देर न कर दो, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है होने वाला है, अगर आपके पास शॉर्टेज हो चुका है सीमन का, तो वो आप किस तरह से उसमें आप ऐड करके उसको बराबर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी आप ना भूलें। अब ये शॉर्ट जब हो चुके हैं ना दोस्तों, हमें क्या करना है, किस तरीके से ये पूरा करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो मानता नहीं है। वो बोलता है हमें सीमन पूरा चाहिए जिस तरीके से मर्जी करे, और आप परेशान हो जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि हम क्या करें यार, हम शॉर्टेज ये जो है कंप्लीट कैसे करें। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो लेके आ चुके हैं हम, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, परेशान होने की आपको तब जरूरत है जब आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे। आप स्किप करके देखते हो ना, जब देखोगे ना तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आते हैं, और अगर आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो आपका उसमें कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं सबसे पहले कि जैसे कि आपके पास शॉर्टेज हो चुका है सीमन, शॉर्टेज को आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर 1000 डोज हैं तो 1000 उसमें आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आपके 50-60-70 आपके पास 100 आपके पास सीमन शॉर्टेज है, तो जो 100 जो सीमन है या 50 सीमन है उसको आप कैसे बराबर दिखाएंगे। अब दोस्तों देखिए, ध्यान से सुने, कंप्लीट सुने, स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं सिंपल कि किस तरीके से आप करेंगे तो आपके ये जो सारे सीमन डोज है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको कोई भी रुकावट या परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, अगर तो सपोज लगा लीजिए आपके पास 1000 सीमन डोज है और उसमें से आपको कम पड़ रहे हैं, जो कि आपने एआई भी कर चुके हैं। एआई करने के बाद दोस्तों आपने क्या किया है, आपके पास कुछ सीमन डोज बचे भी हैं, लेकिन जैसे ही आप उसमें काउंट करते हो, आप देखते हो अपना रिकॉर्ड देखते हो कि यार मेरे पास तो यहाँ पर 60 डोज जो है वो कम हो रहे हैं। अब 60 डोज को आप किस तरह से बराबर करेंगे, जानिए अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल तो सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि आपके पास कितने डोज बच रहे हैं जो आपको शॉर्टेज हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता लगानी है, और ये पता लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एआई रजिस्टर पे देखना पड़ेगा कि इस साल में आपने कितने एआई की है। उसके बाद आप देखना है, आपको चालान देखने कि आपने कितना रिसीव किया है, और उसके बाद आपने अपने जो आपका क्रायो कैन है, क्रायो कैन में आपके पास कितने सीमन डोज बचते हैं।
तो दोस्तों आपने सबसे पहले तो क्या करना है, आपने सीमन चालान जो है उससे काउंट कर लेना है कि काउंट करने के बाद आपके पास जैसे 1000 डोज आ चुके हैं और एआई में आपने कितने किए हैं, एआई में आपने 900 आपने डोज कर चुके हैं जिसको कि आपने वहां पर रिकॉर्ड पर भी रख दिया है। तो मतलब आप देखेंगे आपके पास 100 जो 100 डोज है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो 100 जो है जब आप अपने क्रायोकैन में देखते हैं तो क्रायोकैन में आपको मिलते हैं 20 डोज जब आपको मिले तो शॉर्टेज कितना हुआ दोस्तों, 80। वो शॉर्टेज कैसे हो गया, क्या हो गया कि आपके पास वो शॉर्टेज निकल रही है, वो आप बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूं दोस्तों, लेकिन आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो शॉर्टेज किस तरीके से हुआ है। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि डिपार्टमेंट को अगर आप बताओगे नहीं शॉर्टेज हो गया दोस्तों, वो नहीं सुनते, वो चाहते हैं कि आप हमें 100% जो है ना वो डोज बराबर करके दिखाओ। तो डोज बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए आपके पास अगर 80 है ना पेंडिंग, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने एआई रजिस्टर ओपन करना है। तो जैसे कि दोस्तों आपको देखना है कि उसमें आपको 80 डोज आप फिल करने पड़ेंगे, लेकिन 80 फिल कैसे करने पड़ेंगे दोस्तों, 80 फिल करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जैसे कि आपने किसी भी एआई को एआई की है किसी एनिमल को, तो वहां पर आपने एक डोज किया है लेकिन वो रिपीट आ चुकी है, समझ गए ना, वो रिपीट आ चुकी है उसको ही दोस्तों, जैसे रिपीट आ चुकी है लेकिन जैसे उसको 2 तारीख को आपने एआई की है, आपको 3 तारीख को एक और अपलोड कर देनी है, समझ गए। इस तरीके से आपको एआई रजिस्टर पर जाकर देखना है, जाकर चेक करना है कि कौन सी जो गाय है वो रिपीट आ चुकी है, उसको आप सेकेंड डोज अपलोड कर दोगे। जैसे कि आप 80 उसमें कुछ ऐसी काउस निकालोगे ना, जैसे कि आपके 20 डोज अगर बचे हुए हैं तो 20 उसमें निकालोगे, 50 बचे हैं तो 50 ऐसी कुछ गायें निकालोगे जो वापिस आ चुकी हैं, रिपीट आ चुकी हैं, और 1 तारीख से लेकर 2 तारीख को आपको उसको अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो भी सीमन जितने भी डोज आपके बच रहे थे ना शॉर्टेज थे ना, इस तरीके से आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो थी ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे मित्र इससे परेशान थे। तो सबसे पहले तो एक काम कर लीजिए, हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है और उसके बाद टेलीग्राम जो चैनल है ना उसको तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, फॉलो भी कर लें, क्योंकि उस पर हम बहुत जल्दी उस पर कुछ अपडेट्स लाने वाले हैं जो कि सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना यहीं खत्म करते हैं और आपके साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार।